हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं गोलगप्पे बनाऊंगी। गोलगप्पे बनाने के लिए परी आदित्य कितना दिन से बोल रहा था, इधर 2-4 दिन से बोल रहा था, फिर मैं भूल जाती थी। तो मैं सोची कि चलो आज बना देती हूँ शाम को। तो इसको मैं 1 घंटे के लिए धूप में रख दी थी। था तो डब्बा में रखा हुआ पैकेट इसका, तो हम सोचे कि धूप में रख के 1 घंटा के लिए मैं इसको धूप लगा देती हूँ, उसके बाद तलूँगी तो अच्छा गोलगप्पे तलेगा। मैं गोलगप्पे में देने के लिए ये चटनी हरा वाला धनिया का पीस रही हूँ। उसमें धनिया पत्ते दे दिए हैं, मिर्च दे दिए हैं और लहसुन दे दिए, और ये सब डाल के मैं पीस लेती हूँ। वो गोलगप्पे का पानी में डालना है ये हरा चटनी। मैं हरा चटनी बना के तैयार कर ली हूँ। और ये इमली मैं गर्म पानी में पहले ही डाल दी थी, तो ये सॉफ्ट हो गया। इसका सारा बीज मैं निकाल लेती हूँ और इसका भी मैं चटनी बना लूँगी। तो ये हरा चटनी और ये इमली वाला चटनी दोनों उसका गोलगप्पे का पानी में डालूँगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खट्टा खट्टा हरा मतलब चटनी रहेगा धनिया वाला, तो उसे देखने में भी बहुत अच्छा, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मैं बीज सारा निकाल के मैं इसको मिला लेती हूँ, और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्च पाउडर इसमें डाल दूँगी। हरा मटर और आलू को मैं पहले ही उबाल ली थी और उबाल के मैं रख ली थी। तो ये आलू में थोड़ा सा हरा मटर भी डाल दूँगी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसको मैं आलू और मटर को पहले भून लेती हूँ। ऐसे तो सादा भी रहता है, लेकिन मैं सोची कि नहीं थोड़ा सा भून लूँगी मसाले डालकर, प्याज डाल के, प्याज का पेस्ट, अनियन का पेस्ट भी डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तेल और मसाले, सारे मसाले डालकर इसमें थोड़ा सा भून लूँगी, तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, भुना हुआ रहेगा तो। और इसमें लहसुन और प्याज का दोनों का पेस्ट मैं 1/2 चम्मच भी डाल दूँगी, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आता है। नमक, हल्दी और धनिया पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर इसमें डाल दिए हैं। और ये सारे को मैं भून लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें आलू और मटर जो है उबला हुआ उसको मैं डाल दूँगी, तो इससे वो गोलगप्पे में डाल के खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बेचने वाला तो सादा आलू में सिर्फ आलू रहता है डाला हुआ, लेकिन उसका उतना टेस्ट नहीं अच्छा आता है। इस तरह से बनाने में बहुत अच्छा टेस्ट। अब ये भुन गया है, अब इसको भून के निकाल लूँगी। उसके बाद फिर इसका पानी तैयार कर लेती हूँ। ये गोलगप्पे में जो चटनी बनाई थी उसी का, उसका जो मिक्सी वाला जार होता है उसको धो के इसमें डाल दिए हैं पानी में थोड़ा सा, इसीलिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। चटनी अभी इसमें नहीं डाले हैं। थोड़ा सा चटनी इसमें डाल दूँगी। 1/2 चम्मच इसमें मिर्च पाउडर दिए हैं और नमक डाले हैं स्वाद अनुसार, और इसमें 2-3 चम्मच चटनी डाल देती हूँ, हरा चटनी जो बनाई थी। और ये इमली वाला जो है वो भी डाल दिया है। इमली का जो चटनी बनाए थे बहुत अच्छा आएगा। इसमें नमक डाले हैं, मिर्च पाउडर डाले और चटनी डाले हरा वाला, और इमली वाला जो चटनी बनाए थे वो भी डाल दिए हैं। इससे बहुत अच्छा खट्टा खट्टा, बहुत अच्छा कलर भी आया है, बहुत अच्छा टेस्टी लगता है इस तरह से खाने में। गोलगप्पे का पानी रहता है तो आलू भी बहुत अच्छा भुना हुआ है, बहुत टेस्टी। इसमें थोड़ा सा देते हैं चाट मसाला, इसे और खट्टा हो जाएगा तो और अच्छा लगता है ज़्यादा। आप सभी फ्रेंड इसी तरह बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। अब इसका पानी बनके रेडी है, अब गोलगप्पे तलना है। गोलगप्पे तल लूँगी। गोलगप्पे तल लेती हूँ। सारे गोलगप्पे तो फूले हुए हैं, एक दो नहीं है फूला हुआ, सारा फूला हुआ है। कितना अच्छा, देखिए सारा गोलगप्पा बन के तैयार हो गया है और अभी तलना है।
देखिए बनके गोलगप्पे तैयार हो गए, कितना अच्छा लग रहा है, यम्मी एकदम। गोलगप्पे भी, इसका पूरी भी बन गया है, आलू भी भुना हुआ है, बहुत अच्छा कलर भी आया है, बहुत टेस्टी लग रहा है। और इसके पानी भी तैयार हो गए गोलगप्पे के। आ जाइए फ्रेंड, आप सब भी खा लीजिए। आप सब भी इसी तरह बनाइए और खाइए, और मुझे बताइए कि मतलब कि इस तरह बनाने से कैसा टेस्ट लगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा। आप सब भी बनाते होंगे, बताइएगा फ्रेंड्स किस तरह बनाते हैं कमेंट करके। आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगर आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर से कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।